मतभेद नहीं, साड़ी एक वोट दे नाल जे हिंदुस्तान दे ताकते हिलदे आ पावांगे। होर ओ हेलो सरदार जी, की हाल चाल है? मैं क्या कदी हस भी लिया करो, तुसी हिंदुस्तान दे तख्ते हलाउन दी गल कर रहे हो। दाड़ी थोड़ी काली कट करनी सी, जो पता लगे सवेरे पार्लीमेंट दे विच जाना, अपा रात नू दब के रंग पोछ लिया दाड़ी ते उत्ते, किते पतंदर दे के चिट्टा वाल ना नजर आ जे किसे नू, किते ने कह देण मैं बुढ़ा जा हो गया। Excuse me. तुसी लोग सिर्फ सानू हसा रहे हो, होर कुछ नहीं। ते सरजार जी कहंदे आ, हमने देखो पूरी पार्लियामेंट सजा ली, यहाँ पर हमारी एक वोट से हिंदुस्तान के तख्त हिल जाएंगे। आप तख्त की बात कर रहे हो? वहां पे तो पेड़ पे पत्ता भी नहीं हिला भाई एक, और आप तख्तों की बात कर रहे हो। और रही बात, आप कहते हो पूरी पार्लियामेंट सजा ली, अरे छुप छुप के तो मीटिंग करते हो आप। पहले ओल लेते हो रेंट पे, भावे पीछे चार झंडे गाड़ देते हो, और जो जो टेबल लगाया ना हैप्पी बर्थडे का केक काटने के लिए, और उसके ऊपर ये जो सरदार जी बिठाए हैं, इनमें से सारे गुल्लक चोर है। कोई गुल्लक में से पैसा चोरी करा है, कोई गुरुद्वारे में ग्रोसरी चोरी करा है, कोई देसी घी के डब्बे लेके उड़ जावा है। वो एक गुल्लक चोर एक चक्कर में एक दूसरे की पगड़ी उतार दे। सरदार जी, ओ सरदार जी, अरे बात कर रहे हिंदुस्तान के तख्ते हलाने की, क्या आपकी एक वोट से तख्ते ही लगे? क्या बात है सरदार जी, मैं क्या असलम वालेकुम, क्योंकि पीछे से तो आप असलम वाले खानदान से बिलोंग करते हैं ना। देखिए, जानते तो हम आपको नहीं कि आप कौन है, पर वीडियो देखी और देखा अभी, क्या आप दाढ़ी पे कलर लगा के आए हैं, पूरा जैसे पूरा पूरा वो लुक वाला ड्रम होता है ना, वो ऊपर ही उड़ा लिया मुंह के ऊपर। तो सरदार जी, आपके कहने से ना तख्त हिला है ना हिलेगा। ये जो आप पार्लियामेंट बोल रहे हो ना, हॉल को रेंट पे ले लेना, चार कुर्सियां टेबल लगा के सभी दूर दूर से गुरुद्वारे के गुल्लक चोरों को वहां पे बुला के बिठा लेना। अरे बेटा, हम भी सिख हैं, पंजाबी हैं, जट फैमिली से हैं, हमारे जैसे सिखों को भी मौका दीजिए, हम भी आते हैं आपकी पार्लियामेंट में, हम भी पूछते हैं सवाल, जवाब तब दीजिए। आप लोग एक गुरुद्वारा ढंग से नहीं चला पाते हैं, हर एक चीज में आप लोग घपला और बेईमानी करते हैं। अब आप ट्रक में से टमाटर गंडा या प्याज भी उतार के ले जाते हैं, आप सोच रहे हैं कि भारत आलू है, गाजर है, मूली है, जो छील लिया काट लिया सब्जी बना लिया? ना ना सरदार जी, आप एक वोट छोड़िए, आप एक लाख वोट डालिए, तब भी तख्ता नहीं हिलेगा इंडिया का। और हमें पता है सरदार जी, आप ये सारा राजनीति स्टंट करना बंद कीजिए, बंद कीजिए, हमको मौत हंसाइए। हमें आपका दाढ़ी पे लगा कोला रंग देख के बहुत हंसी आ रहा है। अभी हमको नहीं पता आपने श्री साफ डाला है कि नहीं डाला। अगर आपने अमृत शका है, आपने श्री साफ डाला है, तो आपने दाढ़ी काला क्यों किया सरदार जी? प्लीज सरदार जी, ऐसा नहीं बोलने का कि हमारी दाढ़ी तो काली है, हम तो रोंग ही नहीं लगाते हैं, दाढ़ी तो सारी चीटी है, आप रोंग लगाते हैं। तो कितना एक्साइटमेंट हुआ सरदार जी रात को आपको, सुबह अमेरिका जाना है पार्लियामेंट में, पूरा दाढ़ी वाड़ी बना लें, पूरा शर्ट वट प्रेस कर लें, अरे आप तो मरी गए होंगे रात को सरदार जी एक्साइटमेंट से। बड़बक, ऐसा ना थोड़ा देश मिलता है, ऐसा ना थोड़ा आपको देश में से एक छोटा सा टूटा भी मिलेगा? अरे नहीं सरदार जी, ऐसा कुछ नहीं मिलेगा आपको। यह राजनीतिक स्टंट बंद कीजिए, हमको भी पता है, ये सब आप मिलके अंदर से एक है राजनीतिक स्टंट कर रहे हैं। मौत कीजिए सरदार जी, मौत कीजिए। सिर्फ हम लोगों को आपको जब बोलते है ना, सच बताए, हमें ऐसा लगता है कपिल शर्मा का शो चल रहा है, फंटू शो चल रहा है, और हम लोग आपको देख के सिर्फ जोकर की तरह हंसते हैं। आप अच्छा एंटरटेनमेंट करते हैं सरदार जी, पर नेक्स्ट टाइम अगर आप आते हैं ऐसा पार्लियामेंट के अंदर, प्लीज दाढ़ी का जो कलर का शेड है वो थोड़ा लाइट कीजिए, बहुत ता काला है, इतना काला लेके आए, ऊपर से आपका पन्नू, अरे बाप रे, दाढ़ी चीटी रख लेता है, गाले जूते वाली पॉलिश से काली कर लेता है, और इधर से भी उसका सारा पॉलिश सब लगाने लग गया, वो भी हुलिया खराब कर लेते हैं। आप काहे लोग हुलिया खराब करके कैमरे के सामने आते हैं, हुलिया सुधारिए। वो पन्नू आपका ना दाढ़ी रखा है ना पगड़ी सर पे, बाल उड़ गया, क्या वो मतलब डाल के चड्डी और बात करता वो पड्डे पड्डे वाली, तो मत कीजिए ना सरदार जी, एक वोट से ताकत नहीं हिलेगा, बता ही रहे आपको, भारत
कि जनसंख्या बहुत है सरदार जी, आप वोट की बात करते हैं, अगर जनसंख्या इतनी है कि अगर लोग इकट्ठे होके एक फूक भी मारेंगे ना आप पूरा हिल जाएंगे, तखत तो बहुत दूर की बात है सरदार जी। सिख पार्लियामेंट रेंट दिया आपने उस हॉल का, टेबल कुर्सी भी रेंट पे लेके आए, अलग अलग कंट्रियों का झंडा गाड़ दिया, उसमें भारत का भी झंडा नहीं, तो दुश्मनी है ना आप लोगों की भारत से। सभी को तो एक लेके चलने का नहीं, आपको तो खोतस्तानी चाहिए जिसमें आप लोग रहें, उसमें हिंदू नहीं होगा, मुस्लिम नहीं होगा, ईसाई नहीं होगा, उसमें कोई शेड्यूल कास्ट वाला एसी बीसी जनरल कैटेगरी कोई नहीं होगा, आप लोग होंगे जट लोग। सरदार जी ऐसा अच्छा नहीं लगता है, हम सब ह्यूमन है, हम सब एक है इंसान, ओके इंसान को गले को लगाने का चलना सरदार जी, ये गलत कर रहे हैं आप, बहुत गलत कर रहे हैं, मुझे तो हंसी आ रही है आप पर। सो सरदार जी आप अपना वोटों का काम कीजिए, हमको भी देखने ताकत कैसे हिलता है इंडिया का, ठीक है हमको देखने का है, आप ताकत हिलाइए, हमको भी देखना कैसे हिलाएंगे आप।